नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, इस वक्त IBN 24 के दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। ये तस्वीर है सिर्फ 14-15 साल के लड़के की। लड़के का नाम है संदीप, जो कि 30 तारीख से गांव में नहीं है, गांव से बाहर कहीं चला गया है। और आप देख सकते हैं जिन दो व्यक्तियों ने ये तस्वीर पकड़ी हुई है, संदीप के एक चाचा लगते हैं और संदीप के दूसरे जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं वो मामा लगते हैं। अपने सर पर हर जगह संदीप को ढूंढने का प्रयास अब तक कर चुके हैं। हर चौक चौराहे पर, हर आसपास के जो गांव लगते हैं, क्योंकि हसनपुर से हैं, घरोंडा के गांव हसनपुर के ये संदीप रहने वाला है और उसके चाचा भी रहने वाले हैं। अपने सर पर ये हर जगह संदीप को ढूंढ चुके हैं, लेकिन अब आस और उम्मीद लेकर पहुंचे IBN 24 के पास। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, संदीप के बारे में आपको बताना चाहूंगी, 14-15 साल का लड़का है। घर में पिता एक्सपायर हो गए हैं, घर में पिता मतलब कि नहीं है, सर पर पिता का साया नहीं है। माँ मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, वो भी पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही है। और संदीप के बारे में बात करें तो संदीप भी मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं है। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि घर में जो माँ है, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही है, वो लगातार अपने बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही है। रो रो कर उस माँ का बुरा हाल है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा जल्द से जल्द घर आ पाए। पूरा क्या कुछ मामला है वो आपको बताएंगे कि आखिर संदीप घर से कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है और कहाँ पर फिलहाल वो हो सकता है। एक बार संदीप के जो चाचा हैं उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हैं? राजेश मेरा नाम है, गांव मेरा हसनपुर है। अब मैं उसको चाचा हूँ और मैं 3-4 दिन से उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। सारे आसपास के इसके लिए पूरे बच्चे लगा रखे, मैंने मिल नहीं रहा हमारे को, नहीं मिल रहा। हाँ जी, अरे ये बोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। हाँ, बोलता जी, कम बोलता है जी। तो इसके लिए आप सबसे गुजारिश है इसको ढूंढा जाए, करनाल या पानपत के बीच में इसका लोकेशन एक दो बस से मिली है इसकी। तो आपको कैसे पता कि करनाल और पानीपत के बीच में ही मेरे है? मेरे पास करनाल से भी फोन आया कि भी हमारे पास ये आया था, और तब तक मैंने इसकी ओने डाली थी इसकी कोई वीडियो या फोटो, इसलिए पानपत से भी यही फोन आया। तो कल से उसका पता नहीं लगा मेरे को। 30 तारीख को किस तरीके से घर से बाहर चला जाता है, क्या समय था उस वक्त जब ये घर से बाहर गया, किस तरह के कपड़े इसने पहने हुए थे? ये लगभग 11 बजे का टाइम था और ये ब्लैक टी शर्ट डाला हुआ था, लवर डालो था, यही वाले कपड़े पहने हुए थे जो इस वक्त फोटो में। दोस्तों, यही वो कपड़े हैं जो संदीप पहनकर घर से निकला था। 11 बजे का समय बताया जा रहा है, 30 तारीख को अपने घर से अकेला गया था। हाँ, अकेला बिल्कुल। तो वैसे तो ज्यादातर गांव में रहता था ये, पता नहीं ये ग्रोंडा में कोई किसी के साथ बैठ के गया, अनजान आदमी के साथ, या कोई बका के फुसला के लेके गया, इसका पता नहीं है। ऑटो वाले भी ने बोला मेरे को, भैया हमारे हमने देखा ये ऑटो स्टैंड पे, तो इसके कहता मैं कि इसको ढूंढा जाए और इसका सबसे गुजारिश है कि इसको। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो इसके पापा तो है नहीं सर, मैडम माँ, इसकी माँ भी थोड़ी ऐसी है उसका, वो नहीं तो हम चाचा है। हाँ, उसको कोई कोई वो नहीं है, तो हम चाचा है या और इसका मामा है। घर परिवार के सारे बच्चे इसको ढूंढ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव के सब ढूंढते हैं। तो माँ भी कुछ करती है पालन पोषण के लिए? ना, कुछ नहीं करती, वो तो बस ऐसी है, उसको भाई कुछ नहीं पता। कितने हैं संदीप? एक भाई इसका बड़ा है, वो भी इसको दिन रात ढूंढ रहा है, वो पढ़ रहा अभी। तो ये तो आप देख सकते हैं कि परिवार वाले ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गए, जिसके बाद वो यहाँ पर आए, क्योंकि लगभग 3 दिन हो गए हैं, 31 भी, 1 भी, और आज 2 तारीख है। 2 तारीख को IBN 24 के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। संदीप के जो चाचा हैं उनसे हमारी बात हो गई है, संदीप के जो मामा हैं उनसे एक बार बात जरूर कर लेते हैं। जी, जो मधुबना हमने रिपोर्ट लिखवाई थी उसने भी आज तक कोई इसका रिजल्ट नहीं दिया, और ये भी 3 दिन हो गए कोई रिजल्ट नहीं दिया। आप अपने स्तर पर ही ढूंढ रहे हैं? हाँ, अपने स्तर पे ढूंढ रहे हैं, अपने हमारा सर्कल ढूंढ रहा है उसको, व्हाट्सएप में, ग्रुप में। पुलिस में कंप्लेंट आपने किस दिन दी थी? 30 तारीख को दे दी थी मैंने जी, और रात को भी की नहीं, अगले दिन भी दोपहर को उसने हमारी रिपोर्ट बनाई है। और मैं कहता हूँ पुलिस तो एक दिखावा है,
और ये कुछ नहीं काम करते, पर मैं तनखा लेती है इनको सिर्फ अपना आरोप। हालांकि ये आप देख सकते हैं FIR दर्ज हुई है मधुबन थाने में, 30 तारीख को ही FIR दर्ज तो कर ली जाती है, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो परिवार वाले हैं, जो चाचा हैं, जो मामा हैं, वो इस वक्त काफ़ी निराश हैं, काफ़ी हताश हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा कोई फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है। जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह आप देख रहे हैं कि लोकेशन हमें पता लगे, वो आपको अपने स्तर पर पता लगे या पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए? आप ये जो भी हमने इसका पता लगा अपने उससे पता, और पुलिस वाले ने एक भी फोन नहीं आया। चेक किए कैमरे? कैमरे में लोकेशन, लोगों से आसपास लोगों ने बताया हमारे को, जिसने किसी ने कुछ उसको कुछ कुलचे खिलाया, किसी ने उसको 10 रुपए दिए हैं। अच्छा, उन लोगों से मिले? उन्होंने हाँ उनसे मिले, उन्होंने खुद बोला भी हमने यहाँ बच्चा बैठा था और हमने इसको ये खाने का बोल रहा था, मैं इसको हमने इसको कुछ खिलाया। ऐसा हो सकता है कि मानसिक तौर पर तो परेशान था ही था, घर से परेशान होकर कहीं चला गया? घर से कभी परेशान नहीं होता, ना ना बिल्कुल नहीं, पहली बार दफा ये, हमेशा मेरे साथ ही रहता है, अपनी चाची के साथ ही रहता जाता है। पढ़ाई वगैरह भी करा था? पढ़ाई तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे अपना अगर जो दबाव से पूछे तो अपना एड्रेस भी बोल देता है, सब कुछ ऐसा नाम पता सब। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैडम मैं कुंजपुरा से हूँ। तो मैडम ये आपको जानकारी मिली 30? मैडम 30 तारीख को मेरे पास फोन आया मेरे बड़े वाले भांजे का, कहने लगे मामा जी संदीप वहाँ आया है क्या आपके पास? तो मैं बोला भाई यहाँ तो नहीं आया वो रात को, कहने लगे जी वो मिल नहीं रहा है, सवेरे 11 बजे से निकलो है घर से। तो उसके बाद फिर मैं चलो भाई तुम देख लो, मैं अपने लोकली आसपास ही होगा कहीं, लेकिन मैडम उसके बाद ये खबर आई है कि भाई वो 11 बजे निकला, उसको किसी लेडीज़ ने गरोंडा सब्जी मंडी में देखा है। अच्छा, सब्जी मंडी में उसको देखा है, उसको देख के वो पता नहीं फिर वो कैसे क्या हुआ, गायब हो गया वहाँ से, कैसे पता नहीं लगा उसको। उसके बाद उसको फिर हमने ये जैसे FIR वगैरह कराई और जो भी सोशल मीडिया वगैरह पे डाला, तो उससे हमारे को इतनी खबर मिली है कि भाई वो पानीपत बस स्टैंड पे भी देखा गया है, हम लोगों ने वहाँ भी सर्च किया अपने एंड पे, और गरोंडा में भी सर्च किया, सारे गांव वगैरह में सर्च किया, और उसको करनाल से भी फ़ोन गया हमारे पास कि भाई वो हमने करनाल में भी देखा, क्योंकि वो मैडम मानसिक रूप से ठीक नहीं है बच्चा, और वो सिर्फ है ना 3-व्हीलर में ही बैठ सकता है, बस में भी नहीं बैठेगा। अच्छा, हाँ वो 14-15 साल का है, मेंटली डिस्टर्ब है। तो घर का कोई फोन नंबर वगैरह याद हो किसी? मैडम उसको याद नहीं है घर का फोन नंबर, वो सिर्फ अपना नाम बता सकता है, मैक्सिमम अपना गांव बता सकता है बस, वो भी अगर कोई पूछेगा उससे, अदरवाइज वो ऐसे ही धके मतलब भटकता रहेगा इधर उधर, 3-व्हीलर में ही घूमेगा वो ज़्यादातर, करनाल और पानीपत हमारे को पूरा पूरा यकीन है कि वो इसी मतलब एरिया के बीच में मिलेगा। तो लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को शेयर जरूर, बहुत शेयर करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे बहुत ज्यादा, इसको खबर को जितना उसके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इसकी मम्मी की तबीयत और इसकी मम्मी की हालत बहुत खराब हो गई है मैडम, त्योहारों के दिन है आजकल, बिल्कुल और घर में ना मातम का माहौल छाया हुआ है इसके। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं आंखें भी नम है संदीप के मामा की। और सबसे बड़ी बात यही है कि दिवाली का यानी कि साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार में लोग अपने घरों में खुशियाँ मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक परिवार किस तरीके से गमों में डूबा हुआ है, क्योंकि उनके घर का बेटा इस वक्त गायब है, घर का बेटा जो कि मानसिक तौर पर स्वस्थ भी नहीं है वो गायब है। घरोंडा सब्जी मंडी की बात की जाए तो वहाँ पर संदीप को देखा गया, उसके अलावा पानीपत बस स्टैंड पर भी देखा गया, और एक परिवार वालों का ये जरूर कहना है कि बस में संदीप सफर नहीं करेगा, सफर करेगा तो ऑटो रिक्शा में। तो जितने भी जो ऑटो रिक्शा चालक हैं वो इस खबर को देख रहे हैं, मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी भी ऑटो रिक्शा में वो करनाल से पानीपत के बीच में चढ़ता है या फिर अन्य किसी और जगह पर चढ़ता है तो आप इनके नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देना चाहूंगी 9466217214। एक और नंबर यहां पर दिया हुआ है 9813717214। जितने भी ऑटो रिक्शा चालक हैं सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस नंबर को जरूर सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको संदीप के बारे में कोई जानकारी मिले आप तुरंत इस नंबर पर कॉल करें, परिवार को सूचना दे सके, ताकि इनकी दिवाली इस बार खुशियों भरी हो, इनका घर का चिराग इनके पास वापस लौट कर आ जाए। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि बच्चों के साथ अपराध के कई मामले हम रोजाना रिपोर्ट करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, और ऐसे में माँ बाप को बहुत ज्यादा डर लगा रहता है अगर एक रात भी उनका बच्चा घर से बाहर रहे। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।